आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों का रुख होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता एच.एस. फूलका ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। फूलका का कहना है कि बीजेपी उनकी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कवायद में लगी हुई है। फूलका के मुताबिक बीजेपी की तरफ से उनकी पार्टी के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। पंजाब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष एच.एस. फूलका ने बीजेपी पर सीधे हमला बोला है। एच.एस. फूलका के मुताबिक बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कवायद में है। फूलका ने कहा कि बीजेपी की ओर से उनके विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। फूलका ने कहा कि बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के 11 विधायक बीजेपी के टच में हैं, बिल्कुल गलत है। फूलका ने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी एकजुट हैं। ये इन्होंने कहा जी, ये बीजेपी वालों ने 11 एमएलए हमारे टच में है जी, हमारे पास हैं। वो कल 17 के 17 वो ठोक के वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने दिखा दिया। ये कोशिश बड़ी कर रहे हैं, ये जहाँ तक मल के गिर गए हैं कि एमएलए को पैसे दे दे के ऑफर दे के 15-15 करोड़ रुपया उनको ऑफर कर रहे हैं, कोशिश बड़ी कर रहे हैं खरीदने। गौरतलब है कि पिछले दिनों पंजाब बीजेपी के नेता विनीत जोशी ने आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के बीजेपी के टच में होने की बात कही थी। अब इस पर सियासत गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी की ओर से कड़ा पलटवार किया जा रहा है। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 11 ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਪਲੋਈ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 17 ਐਮਐਲਏ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 1 ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਐਮਐਲਏ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ पहले कपिल मिश्रा और अब भगवंत मान को पंजाब आम आदमी पार्टी का प्रधान बनाए जाने के बाद से पार्टी में उठे बागी शुरू के बाद आम आदमी पार्टी को लेकर सियासी गलियारों में बयानबाजी बढ़ती जा रही है। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा, जी मीडिया।